धर्म को लेकर अक्सर राजनीति होती रहती है, लेकिन तब क्या होगा जब अचानक किसी देश में एक नया धर्म ही आ जाए। ऐसा ही कुछ आजकल अरब देशों में देखने को मिल रहा है। दरअसल इन दिनों अरब देशों में एक नए धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस धर्म का नाम अब्राहमी धर्म बताया जा रहा है। इस नए धर्म ने धीरे से दस्तक दी और मुस्लिम बाहुल देशों में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये नया धर्म है क्या और क्यों इसे लेकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि इस नए धर्म को नाम दिया गया है अब्राहमी धर्म। जानकारों का कहना है कि अब्राहमी धर्म को फिलहाल एक धर्म संबंधी प्रोजेक्ट माना जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों धर्म में शामिल एक समान बातों को लेकर पैगंबर अब्राहम के नाम पर एक नया धर्म बनाने की बात कही गई है। इसका मकसद तीनों धर्मों के दरमियान आपसी मतभेद को मिटाना है। इसका एक मकसद ये भी बताया जा रहा है कि आपसी मतभेदों की परवाह किए बिना लोगों और राज्यों में शांति कायम करने के मकसद से इस विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल अब्राहमी धर्म को लेकर चर्चा अरब की जमीन पर करीब एक साल पहले से हो रही है और इस पर वहां विवाद देखने को भी मिला, लेकिन फिलहाल बहुतों को इस बारे में अरब में ही उलझन का शिकार देखा गया है। ये धर्म उस वक्त सुर्खियों में आया जब मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अल अजहर के एक इमाम ने अब्राहमी धर्म की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए जिस नए धर्म के निर्माण की बात हो रही है उसका ना तो कोई रंग है और ना ही उसमें कोई स्वाद या गंध होगा। सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाना असंभव है। मिस्र के कुछ पादरियों ने अब्राहमी धर्म के अस्तित्व का विरोध किया। अब्राहमी धर्म के पक्ष में प्रचार करने वाले कहेंगे कि लोगों के आपसी विवाद और संघर्ष को खत्म करेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। बता दें कि ये तक कहा जा रहा है कि अब्राहमी धर्म धोखे और शोषण की आड़ में एक राजनीतिक आह्वान है। हालांकि बहुत लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मुद्दे की चर्चा क्यों की, क्योंकि अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में पहली बार ही सुना है। इस नए धर्म को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात पर धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बता दें संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक समझौता किया है जिसे अब्राहमी समझौता कहा जाता है, और अब इसराइल के साथ स्थिति सामान्य होने के बीच अब्राहमिक धर्म प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों को बहाना मिल गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस धर्म पर अरब में इतनी राजनीति हो रही है उस अब्राहमी धर्म के अस्तित्व में आने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ना तो इस धर्म की स्थापना के लिए किसी ने नींव रखी है और ना ही इसके अनुयायी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसका कोई धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं।